क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ किया कि बहुत डेवलपमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ है। अरे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको जानना चाहिए, वो क्लियरली बात बोल रहा है। और हम ये मुकुट मिट्टी ये कौन है, ये वो आदमी का एमएलए का पास हम जाके उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 4 या 5 दिन बैठ के उसका जितना भी काला छिट्टा है हम लेके आएगा। ये फर्स्ट फर्स्ट है। हम लोग को सिखाता था पहले पहले समय में करप्शन नहीं करना है। इंजीनियर का बीबी को वर्क ऑर्डर देता है, इंजीनियर ही काम करता है, वो बीवी का नाम से वर्क ऑर्डर देता है, एमएलए वर्क ऑर्डर देता है। आज कहाँ गया, इसका सुर क्यों बदला है? इसको हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है ना, कांग्रेस का आदमी नहीं, ये क्या आदमी? इसको हम कंफ्यूज होते हैं ये आदमी को। उस दिन यही हम लोग को पहले 2017 को सिखाता था, बोलता था इसका तो हमें देन चैलेंज 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 चैलेंज। देखिए बात यह है, आप हमारे कंस्टिट्यूंसी में जरूर आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, मैं आपको विनम्रता से यहाँ स्वागत करता हूं। यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट कमी भी है जरूरी। चैलेंज 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 चैलेंज। देखिए बात यह है, आप हमारे कंस्टिट्यूंसी में जरूर आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, मैं आपको विनम्रता। पब्लिक के हैसियत से, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर सचमुच हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री अगर अपना आप को सपा मानता है तो अपना आपको क्लियर है मानता है, यानी कि हम करप्शन नहीं के मानते हैं, तो वो अपना आपको आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अभी तक यहाँ पर 28 डेज धरना बैठा है, उसके बाद दिल्ली पर इतना फुल मार्च किया, उसके बाद अभी वहाँ में धरना बैठ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है, जो AACTM जो कर रहा है, वो 100% राइट है। क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं कि जो अभी हम लोग का ये कोर्ट है, क्योंकि आम आदमी जो गरीब लोग का पास मैक्सिमम सर अरुणाचल में ऐसा है कि जो नेता लोग है, हम लोग का जो नेता है ऑफिसर है, वो मैक्सिमम पैसा को करप्शन का पी के रखने के बाद अभी हम लोग का जो अरुणाचल में मैक्सिमम गरीब है, तो मैक्सिमम कोर्ट पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये नेता लोग क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती सोशल एक्टिविस्ट को या जो उसका अगेंस्ट में मुद्दा उठाएगा उसको बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट जाइए कोर्ट जाइए। सर हम लोग कोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्यों अफोर्ड नहीं करते कौन है? हम लोग यहाँ में बहुत तक कम लोग हैं जो करोड़पति है, और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ में ट्रैप का ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई छोटा ट्रैप या कोई छोटा ट्रैप अगर बाई चांस भी किसी का अगेन में अगर सच्चाई बात करो या सच बात करो सर, ऐसा होता है कि यहाँ में दबा दिया जाता है। तो ये जो ए जो सर एलिगेशन नहीं लगा रहा है, जो AAC जो टीम है एलिगेशन नहीं लगा रहा है, एलिगेशन उसे लगा रहा है बोलता है जिसका पास सबूत ना हो। यहाँ में तो ऑलरेडी वो लोग का पास सबूत है, तो एलिगेशन कहाँ सर? ये तो बता रहा है सरकार को, जो बीजेपी संतर सरकार को बता रहा है कि CBI लाओ, ED लाओ। सर आपको एक बार हम बता दूं कि हम भी इसलिए ED और CBI लाने के लिए अरुणाचल में हम भी इसलिए मांग कर रहे हैं। एक बार है सर, हमारा अरुणाचल पर बहुत करप्शन है, टू मच करप्शन, हर चीज में सर करप्शन है। सर मैं आपको डिटेल एक बार बता दूं, बात को सर हम वो नहीं करेगा अभी। सर एक है हम CBI, अभी समय जो हम लोग अरुणाचल का मर्डर केस है, जो हम लोग अरुणाचल में मर्डर केस रखे हैं, जो अभी SIT इंक्वायरी कर रहा है, वो कुछ होने वाला नहीं है सर, हम बता रहे हैं अभी इसको CBI इंक्वायरी करना चाहिए। हम भी इसलिए CBI मांग कर रहे हैं, जैसे कि नरेंद्र पिंच XML है, जो नरेंद्र पिंच है XML है, अभी 5 साल हो गया है उसका बेटी तरफ तरफ के रो रो के भटक भटक के। पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं पूरी पूरी बात तो नहीं सुना बिकॉज यहाँ का जो नेटवर्क है थोड़ी सी एरेटिक है, बट आई गेट द जिस्ट ऑफ इट। जो बात कर रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो एलिगेशंस लगाया हुआ है, और आप अभी ने जो जिक्र किया है 3,000 करोड़ के ऊपर, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई नो द एलिगेशंस रिगार्डिंग 142 करोड़ जो पावर सेक्टर में जो दीनदयाल उपाध्याय के जो योजना थे उसके ऊपर जो एलिगेशन चल रहा है, जो कोर्ट पे सब ज्यूडिस है। किसी ने इसी चर्चा में किसी ने जिक्र किया था कि दूध का दूध पानी का पानी। नाउ दैट मीन्स यू वांट टू क्लियर एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल। नाउ देखिए, संविधानिक तरीका पे हमारा 3 स्तंभ है कॉन्स्टिट्यूशनली, हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेटिव। नाउ अगर आप एग्जीक्यूटिव पे ऊपर विश्वास नहीं है, द जुडिशियरी इज टू लुक द इंटरप्रेट द लॉ एंड सी दैट द एग्जीक्यूटिव आल्सो इज वर्किंग एज पर द लॉ।
Now, if you still do not believe in the judiciary, then the only विकल्प जो आपके पास है वो है द लेजिस्लेटिव विच इज द इलेक्शन प्रोसेस. नाउ दैट इज द ओनली दूध का दूध, वही तरीका से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है. नाउ लेट मी गिव यू माय पर्सपेक्टिव, मेरे अपने सोच अपने विचार जो मैंने पिछले 7-8 साल से जो मैं विधायक बन के चला. देखिए कांग्रेस के जमाना पर जब उस समय भी मैं विधायक था, you know there is to be a lot of allegations against the government. Navam Tukey sarkar ke upar bhi bahut sare allegations hota tha us samay par. But us samay pe kya hota tha ki there used to be a lot of backdoor negotiation, channeling aur kabhi kabhi contract ka upar ya paisa ka upar, and then jo associations ka mang hota tha, blackmail hota tha, bun call, wo sab wo usi tarika se nipataya jata tha. लेकिन ये पिछले 6-7 साल से मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है पेमा जी की सरकार पे, उप मुख्यमंत्री चौना जी की सरकार पे, कि जो तुष्टिकरण जो है अपीसमेंट पॉलिसी से वो बंद हो चुका है. नाउ आई थिंक फ्रॉम देयर मैंने देखा है पेमा जी की सरकार पे, उप मुख्यमंत्री चौना जी की सरकार पे, कि जो तुष्टिकरण जो है अपीसमेंट पॉलिसी से वो बंद हो चुका है. Now, transformation and reformations in every sector. Right. Corruptions exist. Corruptions here. There's been a lot of transformation and there's been a lot of reforms. Right. But in a government, the head of the government is may try as he will. You know, the down the line, jo executive, jo hamare bureaucratic setup hai, wagara hai, wo kabhi kabhi, you know, they start, you know, they're kleptocrat by nature. देखिए बात ऐसे है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है, लेकिन द CBI गेट्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसी कानून के तहत. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन फॉर टू द स्टेट CBI टू एंटर द स्टेट एज इट वांट्स, एज इट डिजायर्स. आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे कि बहुत स्टेट्स ने CBI को स्टेट्स पर एंटर करने के लिए परमिशन विथड्रॉ कर दिया है, लेकिन स्टेट हमारे अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट ने विथड्रॉ नहीं किया है. सो इफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फील्स कि उन लोगों का जो एलिगेशंस है इज सब्सटेंशिएटेड, इज वैलिड, the CBI really doesn't need to take the state government's permission. It can come by itself. It can come and case dakhil kar sakta hai, jaanch padtal kar sakta hai. See, when a person or any government is innocent, or if it feels it is innocent, why would it invite the CBI or any investigation agency or kahenge ki hamare upar jaanch padtal karega aur ek political conspiracy nikalenge. Dekhiye corruption ko aap do drishti se dekhna hai, one whether development is happening or not, and other is the policies increasing the corruption in the system. Dekhiye bahut sare jaise maine kaha आप शायद हमारे इतिहास के बारे पता नहीं है, जब से इस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड गठन हुआ है, उससे पहले क्या होता था कि ऑल अपॉइंटमेंट्स, यू नो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स और ग्रुप बी यूज्ड टू बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज नेपोटिज्म होता था. कोई कोई ऑफिशियल्स लोग, लाइक आई सेड, दे आर क्लेप्टोक्रेट्स बाय नेचर. So, उन लोग कर देता है, लेकिन okay. सरकार ने किसी को पक्षा तो नहीं है. Yes, there has been no direct... कौन सा फर्स्ट टाइम उसको वो है, वो देख रहा है कि फर्स्ट टाइम है. उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा चला रहा है, तो मैं 2-3 दिन के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, हम उसको 5 या 4 दिन में उसका जितना कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितना करप्शन हो रहा है, जितना काम नहीं किया के वो इसका पर्दाफाश करेगा. क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ किया कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. अरे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको जानना चाहिए. वो क्लियरली बात बोल रहा है. और हम ये मुकुट मिट्टी, ये कौन है, ये वो आदमी का एमएलए का पास हम जाके उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में हम
चार या पांच दिन बैठ के उसका जितना भी काला चिट्टा है हम लेके आएगा, ये फास्ट फास्ट है। हम लोग को सिखाता था पहले पहले समय में करप्शन नहीं करना है, इंजीनियर का बीबी को वर्क ऑर्डर देता है, इंजीनियर ही काम करता है, बीवी का नाम से वर्क ऑर्डर देता है, एमएलए वर्क ऑर्डर देता है, आज कहाँ गया, इसका सुर क्यों बदला है, इसको हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है ना कांग्रेस का आदमी है, ये क्या आदमी है, इसको हम कंफ्यूज होते हैं ये आदमी को। उस दिन यही हम लोग को पहले 2017 को सिखाता था, बोलता था, इसका तो हम एक्सपायर, इसको तो हम देख के हम लोग इसका मानता था ये आदमी कुछ कर सकता है, अभी सुर बदल गया। यही आदमी था पहले बोलता था कि एमएलए लो अपना बीवी का नाम से वर्क ऑर्डर बनाते हैं, डिपार्टमेंट और जेई लो अपना बीवी का नाम से वर्क ऑर्डर बनाते हैं, वही लोग काम करते हैं। ये शख्स ने हमारे तरफ से जो जवाब था, ये शख्स ने व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली तौर पे, चैलेंजिंग तौर पे, दैट इज द प्रॉब्लम, यू नो, हाउ कैन द गवर्नमेंट हैव अ डिस्कोर्स with anything when you keep on not listening to them, challenge. देखिए बात यह है, आप हमारे constituency में जरूर आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, मैं आपको विनम्रता से यहाँ स्वागत करता हूं। यहाँ पे development जो हो रहा है, development कमी भी है, जरूरी ये नहीं है कि हमने इतने सब कुछ कर सका, बट ये बात को छोड़िए। दूसरी बात यह है कि जो किसी ने ये बात उठाया था कि देखिए ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, अगर आप सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप लेजिस्लेटिव के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप जुडिशरी के ऊपर विश्वास नहीं, योर ओनली ऑप्शंस इज टू गो टू इलेक्शंस। नाउ यहाँ पे जितने लोग भी है या जितने भी एसोसिएशंस में भी है, हमारा ये नहीं कह रहा हूँ कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी ऐसे ही है, बट मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी बहुत पॉलिटिशियंस लोग हैं, ये नहीं कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, बट व्यक्तिगत रोड पे ये जो मैडम था शीतल मैडम, वो ने एमएलए इलेक्शन लड़ा, यहाँ पर जो एमएलए इलेक्शन, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे जो विजय पाटिल थे, वो भी एक एमएलए इलेक्शन लड़ा, हमारे सम्मानित ये जो दोदुम साहब, वो भी एक पंचायत पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं ये दोषी नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोग पॉलिटिकल कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस्ड है, द ओनली वे यू कैन रीच आउट योर वॉइस इज थ्रू पॉलिटिकली एंड टू फाइट द इलेक्शंस इफ यू डू नॉट बिलीव इन द सिस्टम, द होल सिस्टम। Now the other thing that I was saying ki the CBI, maine aapko already zikr kiya hai, the CBI is welcome jaanch padtal karne ke liye, rajya sarkar ka permission zaruri nahi hai, rajya sarkar can only withdraw those permissions, so anybody can come have an investigation। Now, अभी बहुत सारे लोगों ने ये आरोप किया कि हमारा अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य के लिए, मेरे पार्टी के भी अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य के लिए हम ये सब करते हैं। देखिए, ये सरकार के खिलाफ इलेक्शंस पर मैंने भी उठा, मेरे पार्टी ने भी उठा, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली बन रहा है, नल पर जल मिल रहा है, अब इसको मैं डेवलपमेंट नहीं कहूं तो क्या कहूं, आंखों पर पट्टी बांध के क्या ये एलिगेशन, वो एलिगेशन, हवा पे एलिगेशन मारते रहूं कि इस तरीके से चलता है क्या? एग्जैक्टली मैं आपने पूछा, मैं बता दूं, अभी समय में जो स्टेट गवर्नमेंट जो अभी कर दिया है, जो डीसी ट्रांसफर है और एक्शन का जो ट्रांसफर है हो गया, उसके बाद एसआईटी जो एसआईटी है सर, वो अभी भी कोर्ट में गया है, और एसआईसी जो है अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो करप्शन का चार्जेस, जो करप्शन का जो चार्जेस है, जो अभी वो भी अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो लोग को हम यही बताना था कि हम अभी इधर तोकोसतल मैडम का टाइम में हम बार बार नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा भी गुड है वो, क्या जो ये करप्शन होता है उसको जानबूझ के हमारा सरकार जो रुकाता है। अभी भी मेरा जो एक काम अभी भी बचा है, बाकी सब काम हो गया, अभी जो एसआईसी का जो है वो अभी भी बचा हुआ है सर, जो करप्शन का चार्जेस है वो अभी भी बचा हुआ है सर, उसके अलावा बाकी तो हो गया है। ये तरफ एक ये बहुत
एग्जैक्टली मैं आपने पूछा ये बहुत अजीब सा विडंबना है यहाँ पर कि इन लोग सब कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत ठीक है लेकिन पेमा खांडू को हटाना चाहे। अभी बात यह है कि दूसरी स्टेट पे दूसरी राज्य पे अगर आप देखेंगे जहाँ नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे दिल्ली में हुआ था केजरीवाल के जरिए उनके जो प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था देन यू नो दे वॉइस आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ बहुत हाउ कुड आई से इट एसोटेरिक माने हाउ कुड आई से इट सेलेक्टिवली सरकार सब ठीक है लेकिन ये आदमी खराब है इसको हटाइए उसको हटाइए ये षड्यंत्र चल रहा है मेरे अपने सोच पे। देखिए कोई किसी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाना आरोप लगाना वो अपने आप में खराब नहीं है बट हैविंग प्रैक्टिकली सीन हैविंग प्रैक्टिकली विटनेस जो यहाँ पर रिफॉर्म्स हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और किसी ने जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस आई अंडरस्टैंड ऑल्सो ये लेगेसी प्रॉब्लम से करप्शन एक लेगेसी प्रॉब्लम से अरुणाचल का जो पॉपुलेशन में समा गया है। हाउ डू यू इरेडिकेट इट ट्रांसपेरेंसी डेवलपमेंट अभी ट्रांसपेरेंसी जैसे बहुत सारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने मुद्दा उठा रहा है सरकार जवाब दे रहा है स्कीम्स के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट नेचर पे अपलोड हो रहा है दिस इज वन जरिया बट करप्शन हैजंट स्टॉप्ड। आई एग्री मैं ये मानता हूँ कि करप्शन हैजंट स्टॉप्ड बट देर इज एन इंटेंशन टू स्टॉप इट देर इज एन इंटेंशन। अभी बहुत सारे लोगों ने सेलेक्टिव स्कीम्स के बारे कहा है देखिए अगर मुझे लगा कि ये सचमुच पे किसी का गुनाह है वगैरह है मैं भी असेंबली में उठाऊंगा ये इश्यूज को लेके और मैंने बहुत सारे पिछले बार भी जब ऐसे भी हम लोग तो पहले से ही सरकार के खिलाफ में थे। आप कहेंगे कि हम एक ही सरकार के हैं एनडीए के हैं पर हम लोगों ने भी इलेक्शन उनके विरोध लड़के उठा उभर के निकला असेंबली में भी बहुत चर्चा हुआ तो दैट डिस्कशन दैट डिस्कोर्सेस करके हम लोग अंत पे पहुंचता है कि नहीं थोड़ी बहुत कमियां है कमियां को सुधारने के लिए एक साथ मिलके कैसे सुधार है इस तरह हमें चलना है। तो हैविंग सेड दैट आई हैव नो इल इंटेंशंस अगेंस्ट एनीबॉडी जो व्यक्तिगत रूप पे आरोप लगाता है या व्यक्तिगत चैलेंज करता है आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम दे आर वेरी यू नो दे आर रिप्रेजेंट अ सेक्शन वॉइस ऑफ द पीपल आई एग्री विद देम बट दे आर नॉट नेसेसरली राइट जरूरी नहीं कि सही है। मैं बता दूं कि मुझे हंसी भी लग रहा है कॉन्टेस्ट किया है फिर बीजेपी का ही और सपोर्टर बात कर रहा है हम समझ में नहीं आता ये पार्टी का कोई प्रतिदिन है ना ये बीजेपी का टीम का प्रतिदिन है मुझे कोई उसका हम ऐसा सुन रहे हैं ना अजीब सा लग रहा है कि सब लोग लाइव तरीका से देख रहे हैं कभी बोलते हैं कि मैंने बीजेपी के खिलाफ में इलेक्शन लड़ा है कभी बोलते हैं कि बीजेपी को तारीफ कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका बदौलत मुकुंद मीरी साहब को अभी पेमा खांडू साहब ने बहुत बड़ा पैकेज देने वाला है हम शुक्र करते हैं कि आपका बोलना पड़ेगा ना सर कहीं जो भी हो अगर गलत okay. तो गलत सही को सही बोल सकना पड़ेगा।